तो आखिरकार एल्विश यादव ने बिग बॉस का सारा सिस्टम हिला ही डाला है। जी हाँ, 17 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बिग बॉस का विनर बना है। बिग बॉस ने सही, बिग बॉस ओटीटी ही सही। तो आखिरकार 58 दिनों के बाद बिग बॉस ओटीटी 2 को उसका विनर एल्विश यादव के रूप में मिल गया है। विनिंग ट्रॉफी एल्विश यादव की, 25 लाख रुपए की प्राइज मनी एल्विश यादव की, और शो के फर्स्ट रनर अप रहे हैं अभिषेक मलहर। यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर, जी हाँ, बीते तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यही बहस थी, यही लड़ाई चल रही थी कि आखिर अभिषेक मलहर और एल्विश यादव में से कौन बनेगा बिग बॉस ओटीटी 2 का विनर। दोनों की आर्मीज, जो सो कॉल्ड दोनों की फैन फॉलोइंग है, वो लगातार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक रैलियां कर रही थी, अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए लगातार कैंपेनिंग चल रही थी। और आखिरकार आज 14 अगस्त सोमवार की रात को सलमान खान ने बिग बॉस ओटीटी 2 विनर के तौर पर एल्विश यादव का नाम सामने रखा। अभिषेक मलहर को जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा झटका लगा, हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और यही कारण है कि आज ग्रैंड फिनाले एपिसोड में वो देर से शामिल हो पाए। बिग बॉस ओटीटी के ग्रैंड फिनाले में क्या कुछ हुआ, उम्मीद है आपने शो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो फिर भी हम आपको एक छोटा सा जल्दी से क्विक रिकैप दे देते हैं। शो की शुरुआत हुई और सबसे पहले टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से जो पहली कंटेस्टेंट बाहर हुई वो थी पूजा भट्ट। यकीनन यह आपके लिए भी थोड़ा शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद पूजा भट्ट से पहले बेबिका धुर्वे बाहर जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पांचवी कंटेस्टेंट के तौर पर शो से बाहर निकली वो थी पूजा भट्ट। उसके बाद टॉप 4 जो बचे उसमें से चौथी कंटेस्टेंट के रूप में शो से बाहर हुई बेबिका धुर्वे। टॉप 3 में बची एल्विश यादव, अभिषेक मलहर और मनीषा रानी। टॉप 3 कंटेस्टेंट में से तीसरे कंटेस्टेंट यानी सेकेंड रनर अप मनीषा रानी बनी। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे शो में पहुंचे थे और मेरे दिल का टेलीफोन यानी जो उनकी ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का जो प्लॉट है, जो थीम है, उसी के आधार पर एक टास्क हुआ घर में, जिसमें फोन बूथ में तीनों कंटेस्टेंट्स को रखा गया। बारी बारी अनन्या पांडे और आयुष्मान खुराना ने तीनों को फोन किया और आखिर में यहां से मनीषा रानी का पत्ता कट गया। टॉप 2 कंटेस्टेंट के तौर पर अभिषेक मलहर और एल्विश यादव बचे और आखिरकार दोनों बिग बॉस के घर से आखिरी विदाई देकर सलमान खान के साथ स्टेज पर आते हैं और वहां सलमान खान ने अपने अंदाज में कभी इसका हाथ ऊपर किया तो कभी उसका, लेकिन आखिर में जो विनर का हाथ ऊपर हुआ वो था एल्विश यादव का। तो इसी के साथ नवभारत टाइम्स में फिलहाल इस वक्त इसकी सबसे बड़ी खबर कि एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर बन चुके हैं। बाकी एंटरटेनमेंट की दुनिया और बिग बॉस में आगे क्या कुछ होने वाला है, यानी शो तो खत्म हो चुका है लेकिन ड्रामा एक्शन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्या कुछ होने वाला है, इन सब के लिए हम पर नजर बनाए रखें, हमें देखते रहे और पढ़ते